पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर। पीएम किसान 13वीं किस्त से पहले किसानों की हुई मौज, 30 नवंबर तक खाते में आएंगे 2000 रुपए, जल्द करें काम। जी हाँ किसान भाइयों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी 12वीं किस्त का भी पैसा प्राप्त नहीं किया है, उनको 12वीं किस्त प्लस 13वीं किस्त दोनों के पैसे एक साथ किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आपको करना होगा एक छोटा सा काम, तो जल्द सुलझा ले उस छोटे से काम को। पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट है। सरकार ने कहा है कि इन किसानों के खाते में 30 नवंबर 2022 तक 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या फिर नहीं शामिल है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट है और बताना चाहेंगे पीएम किसान योजना के तहत 12वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। अगर आपके खाते में अभी तक भी पैसे 2000 रुपए ट्रांसफर नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 30 नवंबर तक खाते में आएगा पैसा। बता दें कि 12वीं किस्त के बाद सरकार ने किसानों के लिए बड़ा अपडेट जारी करते हुए कहा है कि लेकिन अभी तक बहुत से किसान जिनको पैसा भी नहीं मिला है, तो सरकार ने कहा कि 30 नवंबर तक किसानों के खाते में 2000 रुपए फिर से ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो किन किन किसानों को मिलेगा पैसा, वे सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 30 तारीख तक पैसा आएगा। इसके अलावा आप अपने लेखपाल और कृषि अधिकारी से भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको डायल करना होगा 155261 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप टोल फ्री नंबर है, यदि आपके पास रिचार्ज नहीं तब भी पर आपका फ़ोन जाएगा। आप इस पर फ़ोन करके आप अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।